वेल अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुशबाश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढना चाहते हैं, एक घर की सूरत में, अपने किसी कारोबार की सूरत में, आपको पता है कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स उनके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ GFS हाउस में। तो मेरे यहाँ आने की वजह एक तो पहली ये है कि मैं आपसे उन तमाम लोगों की मुलाकात करवाना चाहती हूँ और उन सेटअप को दिखाना चाहती हूँ जहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं और आपके ख्वाबों की ताबीर को जो है एक प्रोसेस दिया जाता है और वहाँ पर ये तमाम आइडियाज़ जो हैं वो पहले सबसे पहले राइट डाउन किए जाते हैं और फिर उसके बाद आप तक एक ज़बरदस्त शक्ल में आते हैं, जो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं मज़ीद फर्दर डू मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ और जानते हैं कि इस GFS हाउस में क्या क्या होता है कि लोग GFS ही करते हैं। सो लेट्स गेट इनसाइड। अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। सर मार्केटिंग के डायरेक्टर, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ढूंढ रही थी। अच्छा सही है। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा विजिट कराएं, बिल्कुल इसके बारे में जाने की, बेसिकली GFS हाउस है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएं, आपको मैं लेके चलूं। यहाँ पे देखें, आपको दिख रहा है हमारा लोगो वगैरह, ये हमारा सेल्स का डिपार्टमेंट है। बेसिकली जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल के हवाले से जो स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं, तो हम डिजिटली उसकी मार्केट इस तरह से करते हैं जहाँ पे हमारे पास क्लाइंट्स की क्वेरीज जनरेट होती हैं, फिर उसके ऊपर हम फॉलो अप करके क्लाइंट्स के साथ एक ताल्लुक बनाते हैं और हम उनके साथ। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ GFS हाउस में मैनेज होते हैं और उनका प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटली हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं। आए मैं आपको लेके चलूँ। अच्छा, तो ये हमारा जो है सेल्स का डिपार्टमेंट है, डिजिटल सेल्स का, जिसको तो यहाँ पे ये फॉलो अप किया जाता है। जी, फॉलो अप भी किया जाता है, फिर जो क्लाइंट्स की क्वेरीज होती हैं उनकी, आई थिंक दिस इज सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, उनकी जो क्वेरीज होती हैं उन क्वेरीज के हिसाब से उन्हें सर्टन प्रोडक्ट या सर्टन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्लोज करना डील को, इधर वो किया जाता है। सो आई वुड लाइक टू यू नो टॉक टू एनी ऑफ देम, लाइक बिल्कुल बिल्कुल, ताकि प्लीज लोगों को पता चल सके कि ऑथेंटिसिटी क्या है एंड व्हाई, लाइक यू नो एवरीवेयर इज GFS के पीछे एक मेहनत है, एक सफर है और एक जर्नी है और लोगों की एक यू नो कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, और इनसे आप इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि GFS अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करता है, कल्चर क्या है GFS में काम करने का, एज ए एम्प्लॉय के साथ इंटरव्यू करवाते हैं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम के एक फर्द मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछती हूँ कैसा एक्सपीरियंस है और लोगों की फीडबैक क्या होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान जब्बार है। कितने अर्से से आप GFS से एसोसिएट हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट 15 मंथ्स हो चुके हैं। अच्छा, तो ये फीडबैक क्या होती है? और जैसे अब मैंने देखा हर तरफ GFS है, यकीनन आप लोगों की बड़ी मेहनत है, तो किस तरह से आप प्रोसेस करते हैं, आप लोगों का काम का क्या तरीका है, थोड़ा सा लोगों से शेयर करें। मैं बेसिकली इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर हूँ, तो हमारे जो मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए हम कंस्ट्रक्शन अपडेट्स साइट्स के ऊपर दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं, चाहे वो DHA में हो, बहरिया में हो, नॉर्थ टाउन के अंदर हो, और भले ही वो हमारे मलिक टाउन के प्रोजेक्ट्स हों, ट्रांसपेरेंसीज हम उनको दिखाते हैं ताकि वो वहाँ बैठे हुए जान सकें कि अगर वो कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ लेना चाहते हैं तो हर चीज़ उनके सामने क्लियर हो। अच्छा, तो GFS ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव है, बट हमने मज़ीद उनके लिए फैसिलिटेशन के लिए हमने उनके लिए चैनल्स बनाए हुए हैं, हमारे ऑफिसेस खुल चुके हैं वहाँ पे, अगर वो बुकिंग करवाना चाहते हैं, चाहे वो तो वो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, चाहे तो हमारे किसी भी दुबई, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिडनी के अंदर जो हमारे ऑफिसेस। तो कुछ शिकायतें भी आती हैं, उसको किस तरह हैंडल करते हैं? दे कैन कॉल अस डायरेक्टली, दे कैन रीच मी डायरेक्टली, और हमारे कस्टमर सपोर्ट के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ पे भी वो कॉल कर सकते हैं। चलिए ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। GFS के एक और टीम मेंबर से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुमा रिजवी है। हुमा कितने अरसे से हैं आप? मैडम मैं GFS में 3 years हो गए हैं मेरे माशाल्लाह से। तो ये इस डिपार्टमेंट में आपका क्या काम होता है? और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर हमारा ये शो देखें, हमारी ये एपिसोड देखें, तो उनको बहुत क्लैरिटी मिले कि आप किस तरह से ये चीज़ें हैंडल होती हैं GFS हाउस से। बताइए मैडम, एक तो क्लाइंट्स के लिए ये कि हम GFS का एक नाम है, एक ब्रांड है, आपको तो पता है माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में एक नाम हुआ हमारे GFS का। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए हमारी ये है कि हमारी वेबसाइट चल रही है, उसमें हमारी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको विलास भी हैं, इंडस्ट्रियल्स भी हैं, और काफ़ी सारे हमारे पास अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आप यहाँ बैठ के आप लोगों से किस तरह, यानी कि वो आपको ईमेल्स करते हैं और फ़ोन कॉल्स करते हैं और बुकिंग कराते हैं, और फिर जो शिकायतें थी, मतलब किस कैसे प्रोसेस होता है, ज़रा उसको भी थोड़ा सा मैं बता रही थी। मैडम यहाँ पे इस तरह से कि हम लोग, हमारे पास लीड जनरेटर्स होती हैं इनकी, लीड पे हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर ये जो इनके रिक्वायरमेंट होती है जैसे विलास वगैरह की, या किसी भी प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम बाकायदा इनके ऑनलाइन हम हमारे अकाउंट्स नंबर होते हैं जिसमें इनकी पेमेंट्स वगैरह आती हैं, और बाकायदा इनकी फाइल्स वगैरह यहाँ पर बनती हैं जो हम इनके मेल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और शिकायत वगैरह हो तो शिकायत वगैरह को हम बहुत, इनकी जो भी शिकायत होती है हम इसे नोटिस लेते हैं और इसकी शिकायत दूर करने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर जी। थैंक यू सो मच। GFS हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर मोहसिन वाहिद, जिनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की कामयाबी में, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम लोग एक साथ काम भी करते हैं, हमारी दोस्ती भी है। तो अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं कुछ थोड़ी सा वो कह दूँ आपके बारे में कि मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हम एक्टिव फ्रेटर्निटी से भी हैं। बिल्कुल। और आज मुझे मौका मिला आप कंट्रीब्यूट करने का क्योंकि GFS हाउस में मैं मौजूद हूँ। एक तो उन तमाम लोगों के लिए ये बता दीजिए जो कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, और आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, यकीनन आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आपका इसमें क्या रोल होता है और हाउ लाइक यू प्रोसेस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर GFS हाउस वाला ऑफिस एंड स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम ओवर हियर। बेसिकली अपना GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एज यू नो आई एम लुकिंग आफ्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हियर। मार्केटिंग और सेल्स बिल्कुल डिफरेंट जॉनराज हैं। अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो हमारी कोशिश होती है कि ब्रांड अवेयरनेस की जाए, ब्रांड को उस प्लेसमेंट के ऊपर रखा जाए और उस तरह की हाइप दी जाए जहाँ पे ब्रांड इट्सेल्फ आकर खुद लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाए। तो आपने देखा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे कराची की छोटी सड़कें हों, चाहे कराची के पोश एरियाज़ हों, अल्हम्दुलिल्लाह GFS ने अपना उस ब्रांड की हाइप को छू लिया है जिसकी वजह से GFS हर ज़ुबान पर है। तो इसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी तरतीब की जाती है, पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके अंदर आप जो है अपनी टारगेट ऑडियंस देखते हैं, और हम एज GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को उनके ख्वाबों की ताबीर देते हैं। तो इस हिसाब से हम तमाम प्लान्स फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस को लेकर चलते हैं, जिस वजह से ब्रांड की अवेयरनेस मैसिव स्केल के ऊपर हो सके। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मोहसिन। थैंक यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। बस थैंक यू फॉर विजिटिंग मी। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि GFS हाउस में मैं मौजूद हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि मैनेज करते हैं इस कंपनी को, और आप तक जितनी भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, किस प्रोसेस से गुजरते हैं और किस मुश्किलात से पहले ये लोग गुजरते हैं, फिर आप तक एक बेहतरीन चीज लाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मंसूर भाई साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया सबसे पहले, क्योंकि आई नो
कि आप लोग इतने बिजी होते हैं और माशाल्लाह जैसे डे बाय डे GFS builders and developers are like getting becoming a giant और इस वक्त मार्केट में हर तरफ GFS हो रहा है. मुझे यकीन है कि इसके पीछे एक माइंड, एक विजन है और एक स्ट्रेटजी है. आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि हाउ यू मैनेज दिस जॉइंट थिंग. एज फार एज मैनेजिंग इज ऑल द थिंग्स इज कंसर्न, और आपका जो सवाल है कि एक जॉइंट है, बस ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है और हमारी बस मेहनत है, हमारी अनथक मेहनत, हमारी टीम की मेहनत है, उनकी डिवोशन है, और इसी के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह GFS मार्केट में एक लीडिंग ब्रांड की शक्ल में आप सबके सामने है. यकीनन आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इतने बड़े जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, यकीनन बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं, कहीं कहीं ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं. आपकी एम्प्लॉयज़ को आप लोग किस तरह हैंडल करते हैं, और जब अब जबकि इंटरनेशनली भी आप इसको लेकर जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, तो मार्केट की क्या स्ट्रेटजी है जिसमें आप दूसरी मार्केट से हट के चीज़ें करते हैं? हमारी स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं. इसमें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट्स और सेटलमेंट डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें इंगेज्ड होते हैं. फिर एक पॉलिसी हमारी फॉर्मुलेट होती है और फिर उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस दी जाती हैं, और फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उनको हम एतमाद में लेते हैं. और माशाल्लाह से हमारी टीम इतनी डिवोटेड है कि वॉट एवर द टास्क वी असाइन टू देम दे फुलफिल इट विद देयर 100% एफर्ट्स. यकीनन इसी तरह आप लोगों के जो ख्वाबों की ताबीर एक स्लोगन भी है, और सिर्फ स्लोगन ही नहीं है, एंड आई एम श्योर मैंने बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट कवर भी किए हैं, और जिस तरह से जिस तेजी से काम जारी है उसके पीछे एक विजन, एक स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत होती है, और निभा रहे हैं. इससे पहले मेरी इरफान वाहिद साहब से भी मुलाकात हुई है, जब मैंने उनसे बात की और मुझे बहुत अच्छी वो उनकी एक जो उनका एक आइडिया था कि आप जो उन तमाम लोगों को केटर करते थे जिनका घर सिर्फ घर नहीं ख्वाब था. बिल्कुल ऐसे ही. मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि GFS का एक मोटिव है, और वी आर एसोसिएटेड विद द हाउसिंग सेक्टर. हाउसिंग मीन्स मकान, घर. तो ये एक बहुत अजीम एक शोबा है एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, और हमारा फोकस ये है कि हम लोगों ने फ्रॉम डे वन वी हैव टारगेटेड आवर ऑडियंस, एंड आवर टारगेटेड ऑडियंस इज द मिडिल क्लास पीपल हुज अर्निंग इज नॉट दैट टू मच. वो कोई इतने वो नहीं है कोई बिग शॉट्स. तो हमने अपने जो पेमेंट स्केड्यूल्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स में जो यूनिट्स बुक करवाने के लिए, जो अपार्टमेंट्स के लिए या प्लॉट्स के लिए या वॉट सो एवर इज द प्रोडक्ट, हमने अपने पेमेंट स्केड्यूल इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी इनकम का एक पोर्शन उसमें से इजीली निकाल सकता है और अपने घर का या अपने प्लॉट का मालिक बन सकता है. यकीनन इसमें एक कॉज भी है जिसको आप लोग इसको लेके चल रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप जिस तरह से ये स्ट्रेटजीज को लेके चल रहे हैं. वरना मुल्क के जिस तरह से हालात जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, उन चीज़ों का तो लोगों को यकीनन पता भी नहीं होता, लेकिन वो जिस चीज़ों को आप लोग डील और हैंडल कर रहे होते हैं, आई एम श्योर इट मस्ट बी ह्यूज थिंग. तो वो तमाम लोग जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यकीनन आपके प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी इस वक्त लोगों के पास हैं, जहां वो लोग रह भी रहे हैं, मैंने बहुत सारे आपके जो है वहां पे अलॉटिस के इंटरव्यूज भी किए और वो बड़े खुश थे. तो और मेरी बहुत सारी विशेज भी हैं कि जिस तरह से GFS फ्लरिश कर रहा है उसके पीछे आप लोगों का माइंड है, और आपके साथ हमारी दुआएं हैं. बस हमारी बस कोशिश यही होती है कि हम अपने एलओटीज को, अपने कस्टमर्स को, उनके साथ जो कमिटमेंट्स हमारी की है उसको हम ऑनर करें, और हम ऑन टाइम डिलीवरी पर हमारा स्पेशल फोकस होता है. और यही वजह है कि आज आप हमारे प्रोजेक्ट में आप जाएं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी पे, तो कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका पोजेशन आज से एक साल बाद स्केड्यूल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज एक साल पहले वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है,
और अब आफ्टर ईद लोग रिहाइश इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मंसूर भाई साहब, आपके टाइम का आपने टाइम निकाला, थैंक यू, और इसी तरह आप लोग लोगों के ख्वाबों की ताबीर करते रहें। थैंक यू सो मच। ये तो था GFS House, आप की मुलाकात मैंने कराई मोहसिन वाहिद से और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली। तो मज़ीद इंशाल्लाह GFS Builders and Developers जो नाम है मयार का और अपने वादे पूरे करता है और अपने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर काम करता है और उसको कायम रखता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, एक मज़ीद प्रोजेक्ट और मज़ीद मालूमात आपको मिलेगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपको मज़ीद इसमें बेहतरी और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मैं आपको बताती रहूँ। सो टिल देन बाय बाय।